हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप सभी को शेयर कराने वाला हूँ, मैं अपने गांव से दूर अपना जो खेत यहाँ पे है यहाँ आए हैं। चलिए आप सभी को दिखलाएंगे कि मेरे गांव का जो खेत है यहाँ पे क्या क्या फसल होती है, देख सकते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अभी गांव से कुछ ही दूर, 500 मीटर दूर। उसके बाद भी यहाँ पे बहुत सारे खेत है जो कि हमारे गाँव से, तो मेरा गाँव देख सकते हैं मेरे पीछे, उससे काफ़ी दूर। ये पैदल चलने का रास्ता है, तो चलिए आप सभी को दिखलाएंगे आज हम अपना खेत किस तरह से, मेरे गांव के बगल में जो खेत है किस तरह का है, चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये पैदल जो कि पगडंडी के नाम से जाना जाता है ये रास्ता है, जिसके और जहां तक आपका नज़र जा रहा है देख सकते हैं वहां तक यहां ये खेत है। अब इसमें अभी फसल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं हरा भरा कितना सुंदर यहाँ पे, ये सुहाना है एकदम से हरा भरा। गेहूँ लगा हुआ है, रैचा लगा है, यहाँ देख सकते हैं ये आलू का यहाँ पे भी फसल हुआ, क्योंकि ये टिकट है, यहाँ हर तरह का फसल यहाँ पे हो जाता है। और आज काफ़ी ठंड है, देख सकते हैं कुआसा हमसे दूर, यहाँ रैचा का भी खेत है। और ये सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं कितना सुंदर, गेहूँ का खेत कितना हरा भरा नज़र आ रहा है, ये टिकट है। तो अभी आपको दिखाएं दो तरह का हमारे यहाँ ये खेती करने का जो ज़मीन है, ये टिकट है जहाँ पे गेहूँ आलू बहुत तरह के यहाँ पे फसल हो जाता है, क्योंकि ये टीकर का खेत है देख सकते हैं हमसे दूर काफ़ी दूर में ये रैचा। और ये पगडंडी, पगडंडी पे जो जाने का रास्ता है, जाने का आनंद ही कुछ अलग आता है। आप सभी जो चलते होंगे तो रोड पे चलते हैं, लेकिन कभी कभी इस पगडंडी पे आके चलेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा, जैसे कि हमें अभी आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा देख सकते हैं हमारे ये टीकर का खेत, जहाँ पे हरा भरा चारों ओर सुंदर नज़ारा। मेरे गांव से काफ़ी दूर तो नहीं है, 1 किलोमीटर दूर ये क्या है ये खेत खलिहान आपको, यहाँ देख सकते हैं कितना सुंदर ये फसल हरा भरा खेत है। और जहाँ तक आपको नजर आएगा पूरा यहाँ पे हरा हरा नजर आए पे देख सकते हैं आलू, ये खेती करने के लिए जमीन काफ़ी वो है, यहाँ पे जो भी फसल बो सकते हैं, यहाँ पे हर तरह का फसल। आप देख गेहूँ था, उसके बाद ये शानदार सा आलू, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रैचा आलू के बाद बगल में सरसों जिसको कहते हैं, कितना सुंदर ये हरा भरा एक मनोरम दृश्य यहाँ देख सकते हैं, एकदम खूबसूरत ये नज़ारा। तो आप अगर ये दृश्य देखना है तो आप एक बार अपने गांव अपने गांव आइए, बंसीपुर में जरूर आए, और आप शहर से एक बार किसी के गांव आइए और वहां का नेचुरल देखें, प्राकृतिक का यहां नजारा क्या। तो ये देख सकते हैं टिकर का ये ही है, और यहां पे प्याज भी इसमें बहुत सुंदर होता है देख सकते हैं, गेहूं प्याज आलू। और ये है हमारे एक सुंदर नजारा प्राकृतिक के सामने, जब प्रकृति के समक्ष आप आएंगे तो आपका जो शहर में जो रहे हैं हर तरह का पॉल्यूशन में, यहाँ एक पल के लिए एक ऐसा सुकून मिला, आप स्वर्ग आ गए हैं, इतना खूबसूरत ये नज़ारा। और मैं बता दूं कि ये अजीत सर, मैं बता दूं कि ये बारिश के समय में जो है ना, यानी कि बाढ़ आ जाती है और इन समय पानी ही पानी रहता है, क्या नज़ारा आपको बारिश के दिनों में भी देखने को मिलेगा। तो आप निश्चित रूप से जो ना कोई भी मौसम में आए ना गाँव, किसी कोई भी गाँव जाए मौसम में, किसी भी मौसम में, तो आपको निश्चित रूप से ये जो है ना ये नज़ारा देखने को मिलेगा, और बहुत सुंदर नज़ारा है, मन को मोह लेने वाला नज़ारा। और ये बिल्कुल, हेलो गाइस, हम जुड़ गए हैं आपके साथ एक बार पुनः। तो आप देख सकते हैं गांव के बिल्कुल जो नज़दीक है ना, 1 किलोमीटर दूरी पर ये नदी का नज़ारा है बिल्कुल। और यहीं पर जो है ना हम लोग का जो होता है छठ पर्व, जो बिहार का बहुत बड़ा महापर्व कहा जाए, एक प्रकार से मेला का आयोजन किया जाता है इस छठ घाट में, और यहाँ पे छठ मनाया जाता है बहुत ही शानदार और धूमधाम से। तो आप छठ पर्व पे, छठ पर्व का नज़ारा, छठ पर्व यहाँ मनाया जाता है, तो आप एक बार, मैं आप लोगों को आमंत्रित करना चाहूँगा छठ। ये देख सकते हैं नदी है जिसके बगल से हम सभी यहाँ पे छठ पर्व का सेलिब्रेट है किया जाता है, जो कि बिहार का सबसे बड़ा पर्व फेस्टिवल है। ये नदी है कुआ नदी के नाम से, इस नदी को जानता है, यही झारखंड से होते हुए नदी बिहार में प्रवेश करती है और गंगा नदी में जाके मिल जाती है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये नदी पार करने के लिए पुलिया बनाया गया है,
बहुत ही यहाँ पे बांस को काट काट कर ये बनाया गया है। और देख सकते हैं सौरभ काफी आगे चल गया, हमें डर लगता है तो हम बहुत धीरे धीरे इसको पार कर रहे हैं। तो ये बहुत देख सकते हैं ये नदी है और अभी हम नदी के बीचों बीच है, हमें काफी डर लग रहा है। देख सकते हैं ये काफी दूरी पे है और बांस का है, तो अभी जो आपने पार किए होंगे वो तो लोहा का बना हुआ है। देख सकते हैं ये डोल भी रहा है और ये खुद सौरभ डोला रहा है, हमें काफी डर लग रहा है। ये लड़का जो ना बहुत खटपटी है, देख सकते हैं कैसे कैसे कर रहा है, देखो कैसे पुलिया को डोला दी। तो ये पुलिया था जहाँ पे हम दोनों अभी पार कर रहे हैं, देख सकते हैं, और काफी डर लगा ये पुल पार करने के लिए। तो ये नदी था, नदी में पार कर चुके हैं। अब पुलिया हमारे गाँव वासियों ने मिलकर बनाया है, तो हम भी उसमें कहीं ना कहीं चौर आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ की खेती जो होता है फसल यहाँ पे पार है। बिल्कुल यहाँ पे सौरभ जी दलहन की यहाँ पे ये यहाँ मकई देखिए, मकई कितना सुंदर खूबसूरत ये नजारा, मकई के साथ मटर, मटर की भी यहाँ पे खेती होती है, तो दोनों एक साथ इस तरह की खेती। और आप मकई को देख सकते हैं कि क्या धारी बाई धारी में क्या बिल्कुल एकदम मस्त दिखाई दे रहा है। तो ये होता है गांव का नजारा, क्या ऐसा आपको शहर में देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आपको ऐसा नजारा देखना हो तो आप एक बार गांव आए, जो कि आपकी पूर्वज जहां से आपका शहर गया है, एक बार अपने गांव आए और वहाँ का नजारा देखे। खम्बा भी है जो की अब जो है ना हमारे बिहार में भी, इस चौर बिहार में भी, बंसीपुर के चौर बिहार में भी ये यानी कि बिजली जाएगी और यहाँ से किसानों को आसानी होगी। पर हम अब आ गए हैं काफी दूर गांव से, देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरा यहाँ पे चौर का ये खेत है, जहाँ तक आपका नजर जा रहा है देख सकते हैं खेत ही खेत नजर। और हमारे गाँव के कुछ आदमियाँ भी, कुछ लड़के भी आ रहे हैं इस मैच का आनंद लेने के लिए, जो की अब जो हमारे सामने आपका दिख रहा है वो चाय टोला ये गाँव है। अब चाय टोला का ग्राउंड पहुंचने ही वाला है, तो भी इसके बीच में एक नदी है तो उसको भी पार करेंगे, उसका भी नजारा आपको जरूर दिखाएंगे। और आप देख सकते हैं मटर का खेत कितना शानदार है और कितना जानदार है। यह मटर में जो व्हाइट व्हाइट फूल है, क्या मतलब आकर्षित कर रहे हैं हमारे मन को, मन कर रहा है कि हम यही रह जाए, यही सो जाए, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। के भी लोग आ रहे हैं पीछे से, हमारे जो जूनियर लड़के हैं, सीनियर लड़के हैं, हमारे साथ के लड़के हैं वो भी हैं, और ज्यादातर तो इसमें जूनियर ही लड़के दिख रहे हैं, एक सीनियर लड़के दिख रहे हैं और हमारे साथ। ये छोटा नदी है मेरे गांव के नजदीक था, ये चाय टोल के चूड़ा के पास नदी है, तो मैं नदी के बीचों बीच आ चुका हूँ। ये देख सकते हैं बिजली का पोल जो होता है वही दे दिया है टपने के लिए, इसमें धीरे धीरे टपना होता है। आप नहीं टपे तो आइए मेरे गांव एक बार टप के कोशिश प्रयास करें, किस तरह का मजा आ रहा है ये गांव में। शहर से खूबसूरत ये नज़ारा आएगा आपको गांव में, ये शानदार नज़ारा। नदी था चांटुल के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं अभी 200 मीटर दूर है गांव यहां से इस नदी से। अब चांटुला गाँव बिल्कुल इसके जस्ट बाद है, तो एक नदी आप देख सकते हैं, तालाब है नदी के जस्ट निकट ये तालाब है, तो यहाँ भी लोग छठ पर्व करते हैं और यहाँ नहाते भी हैं और कपड़ा भी धोते हैं, और ये इसका पानी बिल्कुल स्वच्छ है, कोई प्रदूषित पानी नहीं है। अब दिखा दूँ कि आपको, अब हम लोग ग्राउंड पर प्रवेश करेंगे, अब बिल्कुल अब यहाँ से आपको ग्राउंड का नज़ारा दिख रहा ही होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ ग्राउंड का नज़ारा। जो कुछ गाने बज रहे हैं आज मैच जो है ना चाय टोला के पूरा के स्कूल के ग्राउंड पर होना है, और आज का मैच जो होगा किशनपुर फुटबॉल क्लब किशनपुर एवं मरांडी ब्रदर के बीच होगा। आज का ये दूसरा सेमीफाइनल मैच, आज जो जीतेगी वो जो है ना फाइनल में प्रवेश करेगी यहाँ से, और जो कल जो जीती थी भारतीय राष्ट्रीय की थी तो उससे फाइनली हम पहुँच गए दोस्तों चाय टोला के पूरा के प्ले ग्राउंड पर, जो आने के लिए इतना मशक्कत जो करके आए, दो नदी पार करके पुल पार करके, और यहीं आना था हम दोनों को जी बिल्कुल। और अब हम लोग फाइनली रूप से पहुंच गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो किशनपुर की टीम है वो यहाँ वार्म अप करते हुए, कुछ देर में मरांडी ब्रदर की भी टीम जो कुछ क्षणों में वो भी प्ले ग्राउंड पर उतरेगी। कुमार यहाँ जो है मैच देखने के लिए आए, आज आप देख सकते हैं कि किशनपुर के प्लेयर भी हम लोगों के
सपोर्ट में है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि किशनपुर की टीम जीते और निश्चित रूप से आज जो फाइनल में है वो शिरकत करे और सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर यहाँ जो भाया खेले। और हाँ, तो आज फुटबॉल का मैच यहाँ पे रोमांच भरा मुकाबला, हम सभी दो नदी पार करके आए, इसी सब सब यहाँ ग्राउंड पे आए थे मैच देखने के लिए। तो मैच देखते देखते हम सबको भूख लग गया है, तो यहाँ नाश्ता करने के लिए लग गया आए हैं और ठंडा भी आ गया था। करेंगे चले हैं, पीछे दुकान है जलेबी समोसा जो जिसको मन होगा यहाँ आज खाने वाले हैं इस ग्राउंड पे खिलाने वाले हैं। यहाँ देख सकते हैं मैं आज का हूँ दुकान पे जहाँ पे जलेबी समोसा सारा चीज उपलब्ध है। ये है जलेबी समोसा हमारे गांव में बहुत मार ले रहे हैं साथ।